शाहजहांपुर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के सामने चल रहे फर्जी पैथोलॉजी को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिल राज और डॉक्टर एमएल अग्रवाल दोनों मिलकर इस पैथोलॉजी को चला रहे थे और लोगों को झूठी बीमारी बताकर दवा देते थे। प्रशासन को बार बार सूचना मिल रही थी कि जिला अस्पताल के बाहर फर्जी रूप से पैथोलॉजी चलाया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर पैथोलॉजी को सील कर दिया है। सारी जांच जिला अस्पताल से आती है, जो प्राइवेट मरीज इनके पास जाते हैं उनके जांच आते हैं। बाहर से और कोई देखते नहीं आता है? बाहर से नहीं आता नहीं, बाहर से नहीं। और बाकी जो अंदर का सैंपल है, जो मरीज आता है पर्ची ले गया था तो मैं जांच करता हूँ। तुम तो ट्रेंड ही नहीं हो, जांच कैसे करते हो अभी? तुम करे जांच नहीं ऐसी है, थोड़ी मेहनती है, कुमकुम वो करती है सर। साथ ही पुलिस ने छापेमारी के बाद वहां काम कर रहे एक कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने यहाँ छापा मारा, फिर हम लोगों को बुलाया गया, तो ये पता लगा इसका मालिक जो डॉक्टर है उनको बुलाया गया, वो आए नहीं मौके पे है, रजिस्ट्रेशन उनका लगा हुआ है लेकिन वो मौके पे नहीं। जितनी रिपोर्ट पाई गई है उनके डॉक्टर का किसी का हस्ताक्षर नहीं है। जो डीएमएलटी है वो कुछ बता नहीं पा रहा है कि हमारा डिप्लोमा असली है या नकली है, और इसी उसकी दुकान को सील किया जा रहा है। अगर वो पेपर दिखाता है, अगर सब कुछ सही पाया जाए तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तमाम दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है और पैथोलॉजी चला रहे सभी डॉक्टरों के खिलाफ जांच टीम भी बना दी है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में जाता है या कोई कार्रवाई होती है। शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।